जिले के भैरवस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना पुलिस ने एक महापूर्व हुए हत्याकांड के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुजफ्फरपुर निवासी हथौड़ी थाना क्षेत्र के नरमा गांव निवासी 57 वर्षीय राजेश ठाकुर के पुत्र गणेश ठाकुर मुजफ्फरपुर कोल्हुआ क्षेत्र अंतर्गत पैगमपुर ग्राम निवासी 25 वर्षीय डब्रू पासवान के पुत्र सुनील कुमार पासवान मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर कोल्हुआ गांव निवासी राम सेवक राम के 24 वर्षीय पुत्र अमीर कुमार और मधुबनी जिला अंतर्गत खुटौना थाना क्षेत्र के इकहत्ता गांव निवासी अब्दुल हाफिज के 40 वर्षीय पुत्र मिनहाज शामिल है। झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद के दिशा निर्देश पर स्थान के थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज पुलिस बल के साथ लगातार मामले के उद्भेदन करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। एक महीने के बाद ही सही लेकिन हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार की सुबह भैरवस्थान थाने पर झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 18/5 को भैरवस्थान थाना अंतर्गत ग्राम हैटी वाली जाने वाली सड़क के किनारे एक तालाब से अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। शव बरामद कर भैरवस्थान पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 87/22 दर्ज की गई थी। कांड का अनुसंधान थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान की मदद से किया गया। मृतक का मोबाइल की CDR के अवलोकन के आधार पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति का मोबाइल नंबर प्राप्त हुआ था तथा राजे टोल प्लाजा के CCTV का फुटेज खंगालने पर मृतक पिकअप गाड़ी एवं एक अन्य संदिग्ध गाड़ी का साथ रहने का प्रमाण प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, SI वशिष्ठ कुमार महतो, झंझारपुर थाने के SI संजय कुमार सिंह, सुरेश कुमार, इम्पू कुमारी को जांच टीम में शामिल था।